की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पखांजूर ब्लॉक की, जहां लक्ष्मीपुर गांव के लोग बिजली विभाग से परेशान हैं और विभाग लोगों पर आरोप लगा रहा है कि गांव में अक्सर ट्रांसफार्मर की खराबी से बिजली गुल रहती है। हर महीने बिजली बिल देने के बाद भी लोगों को पर्याप्त तो बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती के काम में परेशानी आ रही है। विभाग में शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं बांदे बिजली विभाग के सब स्टेशन में पदस्थ जेईई रामलाल परजा का कहना है कि गांव में बिजली चोरी होती है, कई जगह पर होकिंग की गई है, पर इसका समाधान अभी तक नहीं किया गया है और जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। पब्लिक से भी निवेदन है कि वो अपना वाटे जाते हैं और वो बढ़ेगा आवेदन उस अनुसार, अगर आवश्यक होगा तो हम एक एडिशनल ट्रांसफार्मर प्रदान करेंगे और अभी फिलहाल उनके लाइन को अच्छे से अच्छे दिशा में करने की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अमर मंडल जुड़ गया है। अमर, कब से ये सिलसिला यूं ही जारी है और आखिरकार क्यों बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही है गांव वालों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये परेशानी करीबन पिछले 2 सालों से है जी। और लक्ष्मीपुर में सैकड़ों परिवार निवासरत है और जो कि सभी परिवार अमूमन कृषि पर अपना जीवन यापन ये करते हैं और हाल ही में अभी सड़क के खेतों में धान की फसलें लगी हुई है और क्षेत्र में पानी नहीं, बरसात नहीं होने के कारण अभी सबको अपने खेतों में पानी देना है, जिसके लिए सबको बोरिंग से पानी देना है और बिजली की बहुत जरूरत है। और गांव वाले कई बार क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि हो गया फिर अधिकारी हो गया, सभी से कई बार मौखिक व लिखित शिकायत करने के बाद भी अब तक उनके समस्या कोई निराकरण नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अमर, ट्रांसफार्मर की भी बात कही जा रही है, वो क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बहुत पुराना ट्रांसफार्मर कई सालों से लगा हुआ है और ग्रामीणों को पिछले 2 साल से मांग है कि पुराना ट्रांसफार्मर को चेंज करके नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, लेकिन विभाग द्वारा अब तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही ट्रांसफार्मर को बदला गया है और काफी पुराना ट्रांसफार्मर होने के कारण आए दिन बिजली बंद रहती है और गांव वालों को काफी परेशानी हो रहा है इसको लेके। जी जी, और जेई ने अब आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा, तो अभी किसी तरह का कोई कार्य देखा जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में सुधार हो? जी, आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया है, जिससे बिजली विभाग द्वारा कई बार इनको आश्वासन दिया गया है कि आपका जो भी समस्या है निराकरण किया जाएगा, ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों का समस्या जस के तस बना हुआ है, ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया है। जी, और अमर, जब बिजली गांव में रहती ही नहीं है तो बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी गांव वाले का यही है कि इनका कहना ये है कि हम महीने में आधा से ज्यादा दिन में बिजली यहाँ से गुल रहती है, लेकिन हर महीने में इनका बिल बराबर बिजली आया जाता है, इनके द्वारा बिल भी पटाया जाता है जी। और इसके बावजूद ना ही उनका कोई बिजली के लिए सुधार किया गया है, ना ही उनका ट्रांसफार्मर को बदला गया है। जी अमर, जो सरकार द्वारा राशि निर्धारित की गई है एक यूनिट पर, उसी के आधार पर बिजली बिल दिया जा रहा है या उसमें भी किसी तरह की कोई हेर फेर है? जी, आपको बता दूं कि जैसे बोरिंग का ये होता है, यहाँ अधिकतर बोरिंगों में विभाग द्वारा कोई मीटर नहीं लगवाया गया है, बोरिंग में कनेक्शन दिया गया है। अमर, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सुप्रकाश मलिक जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस से हैं। सुप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम, धन्यवाद जी। सुप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। पखांजूर से मामला सामने आया है जहाँ 2 साल हो गए हैं वहां के रहवासियों को बिजली को लेकर दिक्कतें हो रही है। जी मैम, ये बहुत पहले से ये समस्या हमारे यहाँ पे रही है। हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर का जो आना रहता है वो जगदलपुर हमारे यहाँ का मुख्यालय है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है उसका गोदाम है, वहाँ से हमको ट्रांसफार्मर लाना पड़ता है यहाँ। इसके लिए हमने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखा था, अभी हमारी सरकार है तो हम इसके ऊपर हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और बहुत जल्द ही हम कांकेर जिले में, हमारे जिला में हम ट्रांसफार्मर का उपलब्धता यहाँ पे करने जा रहे हैं। सुप्रकाश जी, 2 साल हो गए हैं और कितना वक्त लगेगा? जी मैम, उसी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे विधायक जी भी श्री रूप नाग जी इस समस्या को देखते हुए आज जिस ग्राम पंचायत की बात हो रही है, जिस गांव की बात हो रही है, उस गांव में हमारे विधायक जी खुद पहुंचे हैं और आज ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, आज ही व्यवस्था वहाँ होने जा रही है, आज ही वहाँ ट्रांसफार्मर लगना है। जी मैम जी,
अमर हमारे साथ में प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस से सुप्रकाश मलिक जुड़े हुए हैं, क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी मल्लिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल हो गए आपकी सरकार बनी है और 1.5 साल से ये समस्या करीबन 2 साल से बनी हुई है, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक गांव वालों को ट्रांसफार्मर नहीं मिला है और ना ही उनके बिजली मतलब समस्या का समाधान हुआ है। जी मैं क्या कहना चाहेंगे आप मल्लिक जी? अमर जी मैं ये कहना चाहूंगा और मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, रमन सिंह की सरकार रही है, बहुत ही घटिया जो सप्लाई रही है ट्रांसफार्मर की, वो विद्युत की जो सामग्री है, इतनी घटिया सामग्री की व्यवस्था। सुप्रकाश जी, 2.5 साल हो चुके हैं आपकी सरकार आए हुए, आप फिर भी अभी पूर्व की सरकार को कोस रहे हैं। ठीक है, पूर्व में जो हुआ सो हुआ, पर आजादी के इतने साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही ना? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पे व्यवस्था थी वहाँ पे, लेकिन ये जो सप्लाई थी, जो घटिया सामग्री की सप्लाई थी, उसके कारण ये बार बार खराब हो जाती है जी, इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। और आप पूर्व की सरकार का कह रहे हैं, 1.5 साल से आपकी सरकार है, 2 साल से ये परेशानी चल रही, तो मैं कहूंगी कि आप ही की सरकार में का जो कार्यकाल है सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में हुई है। जी मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि जो सप्लाई थी वो घटिया सप्लाई थी, जिसके वजह से ये आए दिन उड़ जाती है जो ट्रांसफार्मर है। सुप्रकाश जी हमारे साथ में जेईई रामलाल पाजरा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामलाल जी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है रामलाल जी? तो रामलाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुप्रकाश जी मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ विद्युत की व्यवस्था लगभग लगभग सभी गांव में हो चुकी है आज की स्थिति में, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पूर्ववर्ती सरकार है उनसे से घटिया सप्लाई हुई थी, उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो ज्यादा देर तक नहीं चलती है यहाँ पे, ऊपर से लोडिंग की जो व्यवस्था है वो नहीं है, और हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जो है वहाँ गोदाम की व्यवस्था है जहाँ ट्रांसफार्मर। सुप्रकाश जी मैं सारी समस्याओं को समझ रही हूँ, पर इन समस्या का समाधान तो होगा ही, वो समस्या का समाधान कब होगा मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। आखिरी सवाल। बिल्कुल मैम, समाधान ये है, हमारी सरकार बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ इस समस्या को ले रही है परलकोट में। आज पहले यहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या थी, तो आज यहाँ पे बराबर विद्युत की आपूर्ति हो रही है और लगातार इस पे गंभीरता से हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी हैं, हमारे यहाँ के संसदीय सलाहकार है राजेश तिवारी जी, वो गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं और आज कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही अच्छी है यहाँ विद्युत की, उतनी खराब नहीं है जो पूर्ववर्ती सरकार में रही है। आज कहीं ना कहीं अच्छे से यहाँ विद्युत की आपूर्ति हो रही है, प्रत्येक गांव-गांव तक विद्युत पहुंच चुकी है। जी मैम जी बिल्कुल। सुप्रकाश जी मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन तक पहुंचाई जाएंगी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे अमर, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बात